الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات <applause> وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين अद्दीन यूनः अनुमलाबी इले और मजीद की दो मुख्तलफ़ मकाम की आयात तिलावत की हैं अल्लाह ताल से दुआ है अल्लाह ताली सही तरह से बात कहने की सुनने की समझने की और फिर अमल की तोहफ़ी क़ता फ़रमाए मुसलमान का आखिरत पर चूँकि ईमान होता है इसलिए उसकी चौबीस घंटे की ज़िंदगी उस आखिरत को सामने रख कर गुज़रती है वो किसी भी मामले में अपनी आखिरत के बारे में समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता और जिनका आखिरत पर सौ फ़ीसद यकीन होता है इस्तेहज़ार होता है दिमाग में आखिरत सवार रहती है ऐसे मुसलमानों की फिर दो किस्में हैं वो बल्कि तीन किस्में हैं एक वो जो आखिरत की तैयारी में लगे रहते हैं एक वो जो आखिरत की तैयारी में लगे तो नहीं रहते मगर उनको फ़िक्र रहती है उनसे गुनाह अगर हो जाए तो तौबा की फिकर गुनाह की आदत पड़ जाए तो इस बात की फ़िक्र कि इस गुनाह को छोड़ा कैसे जाए इसकी फ़िक्र में दिन रात गुज़र रहे होते हैं और तीसरी किस्म के वो मुसलमान हैं जिनका आखिरत पर सरसरी ईमान है मगर उन्होंने अभी तक आखिरत को मकसद नहीं बनाया मेजॉरिटी इसी किस्म के मुसलमानों की है मकसद नहीं बनाया बस एक है कि मरने के बाद भी कुछ होता है तो थोड़ा सा सदका कर दिया जुमे के दिन ज़रा नहा धो लिए कपड़े इस्ते किए पहन के मस्जिद में आ गए और रमज़ान में रोज़े रख लेते हैं वो सब रख ही रहे होते हैं एक माहौल बना हुआ होता है लेकिन अल्लाह को ये मतलूब नहीं है देखें जिनका आखिरत पर सिरे से ईमान ही नहीं है वो तो बिल्कुल ही एक अलग किस्म है ना वो तो मस्जिदों में आता ही नहीं है उन तक तो हम अपनी बात यूट्यूब के ज़रिए पहुंचाते हैं और फिर वो हमारे बयान में से अधूरे क्लिप निकाल कर इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं मुलहिद पर मैं बात नहीं करूँगा बस एक छोटी सी चुटकला भी एक नया बयान आया मेरे ख़िलाफ़ मेरे ख़िलाफ़ क्या इस्लाम के ख़िलाफ़ उसमें मैं ये मसला बयान कर रहा हूँ कि तलाक का हक मर्द के पास क्यों है औरत के पास क्यों नहीं है तो उसमें मैंने ये बात की कि मर्द की मिल्कियत से औरत निकलती है नुकसान मर्द का है और मिलकियत का मतलब बताया कि औरत पर मर्द को ग़ुलाम वाली मिल्कियत नहीं होती कि जैसे वो उसकी गुलाम हो मिलकियत का मतलब उसके मातहत होती है उसके कंट्रोल में होती है हर चीज़ में नहीं कुछ चीज़ों में तो आपके मातहत है तो अपने मातहत को जब आप अपनी मिल्कियत से मिलकियत से मेरी यही मुराद है कि मातहती से निकालोगे तो नुकसान आपका होगा तो ये बयान किया था इस पर मुझे बयान के दौरान ये ख्याल हो रहा था कि मुलहिद लोग इस लफ्ज़ को निकालेंगे मिल्कियत इनको प्रोपेगंडे का मौका मिलेगा और ऐसा ही हुआ उन्होंने ये लफ्ज़ निकाला हालांकि पूरी डिटेल आगे पीछे इसकी मैंने बयान है इस लफ्ज़ को निकाल के प्रोपेगंडा किया कि देखो इस्लाम इसका क़ायल है कि औरत मर्द की ममलूका होती है मर्द मालिक है औरत क्या है उसकी गुलाम गोया ममलूका है और फिर मैंने ये भी बताया उस पूरे बयान में कि तलाक़ देने में नुकसान असल में मर्द का है औरत का नहीं है तो मोहतरम ने जो मुलहिदीन है उन लोगों ने यह भी प्रोपेगेंडा किया कि ये भी ग्राउंड रियलिटी के ख़िलाफ़ बात कर रहा है तलाक़ में नुक़सान औरत का ज़्यादा होता है मर्द का कम होता है इस एतराज का भी मैं जवाब उस बयान में दे चुका हूँ कि आज औरत का नुकसान इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि इस्लाम के आधे हुक्म पर अमल किया जा रहा है आधे पे अमल नहीं किया जा रहा मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा मतलब इस इन तमाम एतराजात का जवाब अपने बयान में दे चुका हूं मैं तो इससे इन लोगों का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि मुल जो हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए हमारे कंट्री में काम कर रहे हों रहते दूसरे कंट्री में हो लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनका मकसद हक की तलाश नहीं है उनका मकसद है बातों को उछालना जैसे फितना परस इंसान को कहीं से कोई बात मिले ना उछालेगा उच, फौरन वो तो इनका मकसद हक की तलाश नहीं है तो मुझे ख़याल हुआ था मैं मोहतरम जो भी बयान इस तरह के कर रहे हैं मुलहिदीन, उनको ये बोलूँ कि ये जो आप चाहते हो कि इस्लाम के इस हुक्म पर मरद का औरत पर कंट्रोल ये भी बुरा है अगर तो इसका मतलब आप के वालद का आपकी वालदा पे कंट्रोल बोलो भाई नहीं था कोई अच्छी बात है आपका अपनी बेगम पे कंट्रोल बोलो नहीं है अगर ये इस्लाम ने जो कहा है कि कंट्रोल मर्द का होगा तो ये कंट्रोलिंग पावर भी अगर जो मर्द को दी है ये गलत किया है तो इसका मतलब वो तमाम लोग बहुत नेक हैं जिनका अपनी बीवियों पे कंट्रोल नहीं है पर्स उठा के जहां जाए जिसके साथ रात गुजारें जहां टाइम गुजारें कंट्रोल मर्द का नहीं होना चाहिए तो ये खुद अपनी औकात बता रहे होते हैं और जब कंट्रोल नहीं होता तो फिर इस किस्म की चीज़ें पैदा होती हैं माशरे में तो फितरत के खिलाफ नेचर के खिलाफ चलाते हैं ये लोग और एतराज किस पे करते हैं इस्लाम पर इस्लाम को अल्लाह ने कितने प्यारे अंदाज में डिफाइन किया फितरत फित्ला ये लोगों की वो नेचर है जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है उसी नेचर और फितरत का दूसरा नाम क्या है इस्लाम है मर्द को अगर औरत पे कंट्रोल ना दिया जाए तो मर्द को ताकत देने का फायदा क्या है फिर उसे पावरफुल बनाने का फायदा क्या है तो नेचर के मुताबिक बात की है इस्लाम ने तो खैर टॉपिक ये नहीं है तो मैं यश कर रहा था क्या अर्ज कर रहा था मौजू तो है दिमाग में लेकिन बात कहाँ पहुँची थी हाँ मैं यस कर रहा था कि जिनका आखिरत पर ईमान ही नहीं है वो तो इसी किस्म की बातें निकालते रहते हैं कचरा था इंसान और मर के कचरा होके ख़त्म हो जाएगा लेकिन जिनका आखिरत पर ईमान है उनका लाइफ स्टाइल दूसरों से बहुत मुख्तलिफ होना चाहिए हर जब है ईमान तो भाई फिर ये ये कैसा ईमान है कि जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली अपना मुसल यानी जो कल्चर में जो चीज़ आ रही है बस उसको फॉलो किया अगर आखिरत है तो भाई ये फिर बहुत बड़ी हकीक़त है क्योंकि इसमें नेक लोगों का ठिकाना जन्नत और बुरों का ठिकाना जहन्नम की आग है फिर ये दुनिया मुसाफिर खाना है ये असल नहीं है फिर यहाँ के गमों को हद से ज़्यादा महसूस करना ये जहालत और हमाकत है यहाँ की खुशियों में अपनी लिमिट से क्रॉस लिमिट को क्रॉस कर देना ये हमाकत और जहालत है लेकिन यही हमाकतें और जहालतें सुबह शाम हम कर रहे हैं कोई पैसे के पीछे पागल है तो इतना पागल हुआ हुआ है कि आपकी सोच होगी किसी को कोई बीमारी है अब ये कोरोना में कुछ तो मान ही नहीं रहे जो मान रहे हैं वो वहमी हो गए हैं बिल्कुल ही दिमाग पे ऐसा मुसलत कर लिया कि वो लग रहा है कि टेंशन से ही ना मर जाए एहतियात नहीं कर रहे बस दिमाग पे खामखा का मुसलत किया हुआ है मैं जेब में मांस लेकर बैठा हुआ हूँ ये बोलते हुए तो मास्क नहीं लगा सकता ना इंसान आप कहेंगे खुद कौन सा एहतियात कर रहे हो और ये वाला मास एहमी बेकार है ये टिशू पेपर है असल मास वो है वो जो डॉक्टर लोग लगा रहे हैं ना हाँ। क्या नाम है उसका एन तो लगा लिया करें माँ को स्वबाब मिलेगा इन एहतियात तो पर अमल कर लें मस, मुसीबत यही है कि मैं टॉपिक छेड़ना नहीं चाहता जिसको जब तक हो, होता नहीं है ना वो मानता नहीं और जिसको हुआ है उसकी चीखें निकली हैं और अस्पतालों में रश अभी इतना बढ़ गया है हमारे एक बड़े उस्ताद का भी एक मैसेज आया उन्होंने कहा कि अस्पतालों में जो अच्छे डॉक्टर थे अच्छी नर्सें थीं या तो बीमार हो गए हैं या मर गए हैं या भाग गए हैं अब जूनियर किस्म के लोग कुछ हैं जिनको वो बस चीखने चिल्लाने देते हैं मरीज को और वह खुद आते हुए भी डरते हैं पास लेकिन जब तक हवा नहीं खा के आओगे ये बातें समझ में नहीं आएंगी फेंकते रहो बैठ के यूट्यूब पे फेसबुक पे फेंकते रहो और पाकिस्तान के इस वक्त जितने मशहूर ओलमाएं उनमें नाइनटी नाइन परसेंट का इंतकालोना से हुआ है लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके लवाहिकिन मानने के लिए तैयार नहीं होते यह फैसला कर लिया कि नहीं पूरी दुनिया बेवकूफ है सारी दुनिया में फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं अब जहाज़ों की कंपनियों का बेड़ा गरक हो गया है लेकिन हम हैं बहुत बड़े माशाला फंटर हमारे पास रिसर्च होती है असल तो जब तक मरोगे नहीं यकीन नहीं करोगे और जब मर गए तो फिर यकीन करने का फ़ायदा नहीं होगा एहतियात करो बाकी है कि डरो नहीं अब सवाल पैदा होता है जब इतना डरा दिया तो फिर कह रहे हो डरो नहीं मौत से डराया है कि मर जाओगे यानी ये खतरा है कि मर जाओगे तो अगर जिंदा चाहते हो जिंदगी चाहते हो अपनी भी अपने घर वालों की भी बूढ़े वाले की भी तो एहतियात कर लो भाई बाकी उम्मीद की बात यह है कि मर जाएंगे ना तो ज्यादा से मर जाएंगे तो अपनी एहतियात के बावजूद अगर मर जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वबाओ में जो लोग मरते हैं सबर के बावजूद अल्लाह उन्हें शहादत देता है अच्छा है गुनाह माफ हो जाएंगे इंशाल्लाह क्या ख्याल है भाई नहीं मरे तो कल वैसे ही मर जाना है तो आप उम्मीद चाहते हो ये कि कुछ भी <laughs> ना हो लेकिन ऐस, ऐसे थोड़ी उम्मीद होगी कुछ तो होगा हालात भी अभी जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है उसमें तो उसका तो मज़मून ही है ही हम तुम्हें आज़माएंगे विषई मिनल ख़ौफ व नक्स इमिन अमवालफ वमारात खौफ में उबतला करेंगे तुम्हें खौफ में मालों का नुकसान भी होगा मुआशी बड़े बड़े करोड़पति लोग रोड पे आ सकते हैं पैसा डूब सकता है दुनिया में अल्लाह ने हमें पेड़े खाने के लिए पैदा नहीं किया बहुत से लोग बहुत दिनों से पेड़े खा रहे हैं वो समझते हैं कि ये हम मौत तक पेड़े खाते रहे बहुत से मुल्कों ने पेड़े खाए हैं इन करोना ने उनके मुंह से पेड़े छीन लिए समझ रहे हो बहुत सी कौमों ने बहुत से मुल्कों ने बहुत से अफराद ने पेड़े खाए हैं बहुत से मुल्क बहुत तरक्की पर हैं और मुसलसल पेड़े खाए जा रहे हैं खाए जा रहे खाए जा रहे हैं। इस कोरोना ने उनके मुंह से भी पेड़े बोलो भाई हिला दिया उनको बहुत सी जहाजों की कंपनियों ने बहुत ज्यादा पेड़े खाए हैं उन कंपनियों का दिवालिया निकल गया ये है वनबुलवन नकोम अल्लाह फरमाते हम तुम्हें आजमाएंगे इज्तमाई सतह पर भी और इनफरादी सतह पर भी मिनल खौफ खौफ में मुबतला कर देंगे हम करेंगे ये काम यह नेचर नहीं करती कि खुद बखुद हो रहा है मुलहित कहता है बस ये नेचर का एक हिस्सा है फितरत का हिस्सा है फितरत बजाते खुद खुद कोई चीज़ नहीं है इसको बनाने वाला अल्लाह है मिनल खौफ ही वल जू भूख भी मुसलत करेंगे मुआशी नुकसान वल्स मिनल अमवाल वलनफुस माल का नुकसान जानों का नुकसान इंसानी हलाकतें होंगी व समारात पैदावार का भी नुकसान होगा तो अल्लाह ने क्या फरमाया इन हालात में व शरीर साबिरन सबर करने वालों को खुशखबरी सुना दे जो गैर मुस्लिम है वो सबर नहीं करेगा देखो गैर मुस्लिम का जो सबर है ना वो उनके जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो उनको समझाते हैं कि इस सब्र करने से जब तुम टेंशन नहीं लोगे तो टेंशन ना लेने से बीमारी का ख़तरा कम हो जाएगा इसलिए वो चेहरे के एक्सप्रेशन से जो उनमें पढ़े लिखे लोग हैं चेहरे के तासोरास से और कोशिश करते हैं कि हम मीडिया के सामने जब आएँ और बात करें तो हम ये शो करें कि हमें कुछ भी नहीं है अंदर अंदर से घुल रहे होते हैं वो हमारे यहाँ दिल में गम ना भी हो तो चीख मुँह से ऐसे ज़ाहिर करेगा <laughs> क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है ना तरबियत नहीं है कि जैसे इस सारा सारी दुनिया का गम इसी को है अमल से लग रहा होगा कि ये गमज़दा नहीं है लेकिन जो दिल की राहत है दिल की खुशी है वो अल्लाह सिर्फ़ अहले ईमान ही को देते हैं तकलीफ़ों में वो दिल की खुशी के लिए जो अल्लाह ने मोटिवेशन की है वो वो जुमला गैर मुस्लिमों के पास नहीं है फरमाया हुआ बश सा सबर करने वालों को खुशखबरी सुना दे खुशखबरी जो इन गमों में सबर करेगा ये सबर करने वाले कौन हैं इरा ऐसा हम मुसीबत जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है माली टेंशन आ गई बेरोज़गारी हो गई जानी हलाकतें हो गई कॉलू तो ये जवाब में कहते हैं इन्ना लाही ये ख़ुद से नहीं है हम किसके गुलाम हैं अल्लाह के तो मालिक को इजाज़त है कि वह अपने गुलाम को आजमाइश में डाल सकता है हम अल्लाह के गुलाम हैं भाई ये अल्लाह के तसरफात हैं इतफाकी हादसा पर इंसान टेंशन लेता है जो पहले से प्लानिंग के तहत हो और उसकी प्लानिंग करने वाला हमारा रब हो और हमसे मोहब्बत करता हो उसकी तरफ से परेशानी तो हमें बनाने के लिए हमें बिगाड़ने के लिए और अजाब देने के लिए नहीं है इन्ना लाही ही हम अल्लाह के गुलाम है वह इन्ना इले ही रोन और उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है उसी की तरफ लौट कर जाना है क्या मतलब भाई दुनिया मुसाफिर खाना है यहां अगर मर गए तो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो रहे यहाँ अगर आपको कोई परेशानी आ रही है और कोई आपके दुख दर्द बांटने वाला नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं है इसलिए कि अल्लाह है वो देख रहा है इस मुसीबत में कि ये कैसे सब्र करता है और वो इस मुसीबत में क़्यामत के दिन अजर देगा नवाजेगा वो हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रही बहुत जबरदस्त बात बयान किया करते थे फरमाते थे कि जैसे किसी को बुखार हो तो यकीन यकीनी तौर पर कि इसको बुखार है भी या नहीं है ये माथा गर्म होने से पता नहीं चलता बात धूप से माथा गर्म होता है चूल्हे के करीब खड़े होकर आप कोई चाय पका रहे थे माथा वक्ती तौर पर क्या हो गया बोलो ना गर्म हो गया हकीकत में इसको फ़ीवर है या नहीं उसका थर्मामीटर से पता चलेगा वो में आप लगा दें थर्मामीटर थोड़ी देर बाद निकाल के चेक करें थर्मामीटर ग़लती नहीं करता आम तौर पे। तो फरमाया कि किसी के जाहरी गेटअप को देख कर उसकी तस्बीहात और नमाज़ को देख कर सौ फ़ीसद इसका अंदाज़ा नहीं होता कि ये दिल से दीनदार है या नहीं है इसका आखिरत पर यकीन है भी कि नहीं है आखिरत में यकीन इसका कितना है इसका पता उस वक्त चलता है जब ये किसी परेशानी और गम में मुबतला होता है उस वक्त इसका रिएक्शन क्या होता है किस तरह से ये रिएक्ट करता है इदा मस्सा हु शरु जजुआ है कि शर पहुंचा तो एकदम चीखना चिल्लाना शोर शराबा हाय ये क्या हो गया हाय ये क्या हो गया हुई ऐसे चीख रहे हैं पागल हो रहे हैं मैं खुदकुशी कर लूंगा मैं ये कर लूँगा मेरे सनी बर्दाश्त हो रहा ये हो। इसका मतलब ये सिर्फ गेटअप है समझ में आ रही है ये बात ये सिर्फ वजीफों वाले हैं और अगर गम में और टेंशन में इंसान की ज़बान से अच्छी बात निकलती है गमों में और मैंने बताया था ना अफगानिस्तान में जो अमेरिकन आर्मी आई हुई है ना वहाँ से जो अफगानी आते हैं बताते हैं कि जब इनमें कोई ज़ख्मी होता है तो बहुत चीखते हैं ये बहुत चीखते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया फ़ौजी रो भी रहे होते हैं रिपोर्ट है ये किसी फ़ौजी का रोना कितना बुरा बुरा अमल है, है कि नहीं है मैदान जंग में फ़ौजी रो रहा हो हमने तो मुसलमानों में कभी ऐसा सुना नहीं अपने फ़ौजियों में भी कभी ऐसा नहीं सुना कि फौजी हो के रो रहे हैं एक शायर का शेर याद आ रहा है अल्लाह करे पूरा याद आ जाए सुन मेरी शहादत का ना तू होश उड़ाना बच्चा अपनी माँ को कह रहा है मैदान जंग में जाते हुए यह नज़म भी मैं रिकॉर्ड करवाऊँगा अख़पल तरीके से बच्चा मैदान जंग में जाते हुए अपनी माँ से कह रहा है कि अगर मैं शहीद हो जाऊँ तो तू होश न उड़ाना असलाफ के नामूस पे मत दाग लगाना हमारे असलाफ की जो इज्जत है ना, वो इसी से है कि वो मैदान जंग में रोया बोलो नहीं करते थे उनके नामूस को दागदार मत करना सुन मेरी शहादत का ना तू होश उड़ाना असलाफ के नामूस पे मत दाग लगाना हिंदू न कहीं कह दे के रोते हैं मुसलमान कहीं किसी हिंदू को ये कहने का मौका ना मिल जाए कि मुसलमान भी मैदान जंग में शहीद होकर उनकी माए भी रोती हैं फिर कहता है कट जाऊँ मख्तल में तो उफ तक नहीं कहना तो माँ का अपने बेटे की शहादत पे रोना यह बुरा नहीं है तो मोहब्बत की अलामत है रोना तो सुन्नत है वावेला करना चीखना चिल्लाना और वो तो मां है ना चलो वो तो रोए चीखे चिल्लाए नहीं अपनी नवासी की मौत पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंखों से आंसू जारी हुए हैं आपने फरमाया कि दिल गमजदा है आंखें बह रही हैं जबान वही कहेगी जिस पे हमारा रब राजी होगा जबान से वही कहेंगे जिसपे अल्लाह क्या होगा राजी आंखों पे कंट्रोल नहीं है तो रोने पर पाबंदी नहीं है मैदान जंग में तो रोना बुरी बात है तो अमरीकियों से गुजारिश है कि हमारे यहाँ ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर इसका इंग्लिश में तर्जमा करवा के अपनी पैंटों के पीछे लिखवा लेंगे कि भाई जब अफगानिस्तान में आने का तप्पड़ था तो आना चाहिए था फिर रोने की बात क्या है फिर रोने की बात किया है और अगर आके रोना ही था तो फिर आने की चंदा ज़रूरत नहीं थी आप सुपर पावर हो आपने दुनिया में बेस्ती करवा दी आप आपने नहीं यानी आपके फौजियों ने तो इनको चाहिए कि हमारे यहाँ ट्रकों के पीछे लिखा होता है इसका कोई इंग्लिश में तर्जुमा करवा के अगर शाया कर दे तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रकों के पीछे रक्सों के पीछे जो आपको अकवाल मिलेंगे वो जुम्मे के बयान में इतवार में नहीं मिलेंगे आपको हकीकत बता रहा हूँ बड़े सबक आमोज बातें होती हैं उसमें तो अगर ओबामा ये पढ़ लेते मोहतरम तो मेरा ख़्याल ये जरूरत और हिम्मत ना होती तो वहाँ जो अफ़गानी लोग बताते हैं कि जो अमेरिकन से लड़ने वाले लोग हैं उनके जब गोली लगती है तो उनका रिएक्शन अलग अंदाज से होता है अमेरिकन के जब लगती है तो वो, वो पागलों की तरह अजीब से चीख रहे होते हैं चिल्ला रहे होते हैं वही क्या हो गया तो उनका चीखना बिल्कुल दुरुस्त है इसलिए कि उनके सामने आखिरत नहीं है इन तकम व तर्जुन मीन माला अर्जुन अल्लाह फरमाते अगर तुम्हें इस्लाम से अल्लाह खिताब कर रहे हैं मैदान जंग में तुम्हें अपने मुल्क दिफा में लड़ते हुए अगर तुम्हें जखम पहुँचते हैं तो उनको भी तो जखम पहुँचते हैं उसको जखम पहुँच रहे हैं फिर भी लड़ रहा है और तुम मैदान में पीछे हट जाओ फर्जुन अमीन अल्लाम अर्जुन जबकि तुम इस जख्म पे अल्लाह से वो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो जो तुम्हारा मुखाल उम्मीदें लगा के नहीं बैठा तुम्हारा मुखालिफ सिर्फ गवर्नमेंट से मुख्तलिस्म के अलाउंस लेने की उम्मीदें हैं उसको कि मैं जख्मी हो जाऊंगा इतने पैसे मिलेंगे मेरी टांग टूट जाएगी लकड़ी की जर्मनी से टांग ला के लगवा दी जाएगी बस उनको अपने हुक्मरानों से उम्मीदें हैं और मरने के बाद तो वो भी नहीं है मैदान जंग में मर गए तो अब क्या क्या कि, किस तोपों की सलामी खबर पे दी जाए या पच्चीस तोपों की उससे मुर्दे को क्या फायदा है वो कह गया मुझे तो मार दिया ना कहते हैं उसके लवाहकिन को नवाज देंगे तो लवाहकिन को नवाज के ये भी तो अपने लवाहकिन में सबसे पहले तो ये था लवाहिकीन के लिए अपने आप को ही मरवा दिया कह गया, गया यार इतना प्रोटोकॉल तो मैं जिंदगी में लवाहिकीन को नहीं देता था <laughs> गे, 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 जो है। तो ये मजेदारी नहीं है मजेदारी है इन तको नोता लमो न फिन या व तरजून कमाता लमोन वर्जुन अमिन अर्जुन खुदा की कसम कुरान की इस एक आयत ने ऐसा मुसलमानों को मोटिवेट किया है अपने अपने कौम के लिए अपने मुल्क के लिए अपने मजहब के लिए लड़ने का ऐसी आग भरी है अल्लाह फरमाते अगर तुम जख्मी होते हो तो उन्हें भी तो जख्म पहुंचते हैं वो थोड़ी जैसे आते हैं वैसे के वैसे कुछ तो तुमने उनको भी मारा होता है इसके बावजूद वो मैदान में उतर रहे हैं हालांकि तर्जुन अमीन अल्लाह माला अर्जुन तुम्हें अल्लाह से वो उम्मीदें हैं जो उनको नहीं है और तुम्हें अल्लाह से क्या उम्मीदें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके मैदान जिहाद में जख्म लगा क़यामत के दिन वो जख्म बहता हुआ होगा और उसके खून की रंगत खून जैसी और उसकी खुशबू मुश्क जैसी होगी इसी तरह आएगा क़यामत के दिन शहीद के खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं हमने तो शहदा के खून की खुशबू अपनी नाक से सूं अल्लाह ने तो हमें ये आयतें और ये हदीसें ये दुनिया में नजारा करा दिया हमें कैसे कोई लिबरल और मुलहद ये कह सकता है कि ये हदीसें माज अल्लाह गलत हैं हमने तो वही अपनी नाक से सूंगी है इब्राहिम ने अल्लाह से पूछा कि ए अल्लाह तू तो मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा क्यामत के दिन ये तो बोसीधा हड्डियां होके मर के खत्म तो अल्लाह ने फरमायावलम तो मिन क्या मेरी बातों पर यकीन नहीं है कला बला अल्लाह क्यों नहीं है तूने कह दिया बस यकीन है लेकिन ज़रा दिखा दे तो और इतमीनार हो जाएगा अल्लाह ने फरमाया खुद अरबातमिन तयर चार परिंदे लो फसुर उनको आवाज़ों से मानूस करें किसी आवाज़ से मानूस कर दिया जाता है दौड़ता हुआ आता है जल अला जब अन्न जुज आ इनको जबा करके कीमा बना के टुकड़े बर करके मिक्स करके चारों तरफ जो पहाड़ है ना उनकी पहाड़ियों के कोनों पर रख चोटियों पर रख दें सुन्ना फिर जिस परिंदे को जिस आवाज़ से मानूस किया है वो आवाज़ निकालें यह अती न का सा वो परिंदे दौड़ते हुए इब्राहिम आसमाम की तरफ आए दौड़ते हुए सारे बोटियाँ उड़ उड़ के ज़िंदा हुए पूरे पर और पूरा परिंदा बना और इब्राहिम आसलम की तरफ दौड़ रहे हैं तो जिस ने यह मंज़र अपनी आंखों से देखा हो उन्हें कभी कोई वसफसा होगा अल्लाह की बातों में कि मैं क़्यामत के दिन मुर्दों को जिंदा करूँगा तो भाई हमने तो शोहदा के खून की खुशबू अपनी नाक से सूंघी है और मैंने बहुतों नहीं बहुतों ने सूंघी है बहुत से आप तस्दीक करवा सकते हैं इसमें ड्रामे भी होते हैं मैं मानता हूं आजकल तो जो मर रहा है खुशबू आ रही है तो इसमें जो करामतें होती हैं ना इसमें झूठी खबरें बहुत फैलती हैं लोग अपने बड़ों को से सेकीदत में गुलूब की वजह से उनको बहुत ऊपर चढ़ा देते हैं लेकिन जो मुशाहिदा है उसका तो इनकार नहीं हो सकता हमने तो खुद मुशाहिदा किया और एक का नहीं किया है बहुत सो का किया है तो व शरीर मैं अर्ज कर रहा था कि थर्मामीटर क्या है कि जब कोई परेशानी आती है तो क्या करते हैं सबर जेलों में लोगों की जिंदगियां गुजर गई सबर कर रहे हैं मुंह से उनकी कभी नाशुक्री का लफ्ज अदा नहीं होता भाई अल्लाह इसी पे राजी है आज आप देखें किसी खातून के छोटे बच्चे का इंतकाल हो जाए कैसा चीखती चिल्लाती हैं ऐसा रोती पीटती हैं ऐसा डिप्रेशन ऐसी स्ट्रेस वही है कि हर आदमी बस इस दुनिया में पेड़ खाने में लगा हुआ है कि सारे मज़े उड़ाने हैं कोई टेंशन नहीं हो मेरी दादी की अल्लाह मफ़िरत फरमाए उन्होंने मुझे बताया कि उनके आठ या नौ बच्चे सात सात और आठ आठ साल की उम्र को पहुँच के मरे हैं फिर गालिबा तीन बच्चे उनके बचे थे जिनमें एक मेरे वाले साहब, ताया और हमारी पूपी थी अल्लाह ताली मफरत फरमाएँ तीनों का इंतकाल हो गया लेकिन ये बचपन में ही फ़ौत हो गए थे एक दफ़ा बताया कि एक बच्चा मेरा खेलता हुआ आया सात या आठ साल की उम्र थी कैसा महबूब होता है सात आठ साल का बच्चा माँ बाप को आया है पानी पिया है मटके से गढ़े से पानी पीते ही ज़मीन पर गिर गया इंतकाल हो गया लेकिन उनके सब्र कैसा था बस रोती थी माकद्दर अल्लाह जो अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है आज ऐसे पागल हो जाते हैं ऐसे बौखला जाते हैं तलाकों का रेषो भी इसीलिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त कर ही नहीं रहे हैं पहले रिश्ते वजूद में आते थे मियाँ में खराबी है औरत बर्दाश्त करती थी चलो भाई चलाओ गुजारा चलाओ औरत में खराबी है मियाँ बर्दाश्त करता था यार गुजारा है सारे मज़े दुनिया में थोड़ी होंगे अब नहीं भाई औरत को मियाँ पूरा एक्यूरेट चाहिए बिल्कुल सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक रिमोट कंट्रोल की तरह वो इसके इशारों पे चलता हो और मर्द को भी ऐसा ही है कि बीवी ऐसी चाहिए जिसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट हो ही नहीं इस्तारों में भी पॉजिटिव आए और हुसन व जमाल बेमिसाल, और जनाब अखलाक भी और हर हर मामले में उसका मैार ऐसा है कि उसको दुनिया में बस सारे मजे उसने दुनिया में चाहिए यह हर आदमी का हो चुका है इमाम वो भाई थोड़ा सा दुनिया को आड़ा तिरछा करके चलाओ कंडक्टर से इबरत हासिल करो ना बार बार कहता हूँ बस जितनी भी भरी हुई हो कंडक्टर बस को छोड़ के भागता नहीं है कि यार सीट नहीं मिल रही तो मैं कहाँ बैठूँ सारे तो पैसेंजर चढ़ गए सुबह से शाम लटक लटके नाजामबाद से लांडी लांडी से नाजाबाद होता है कि नहीं होता लटक लटक के जाएगा क्या अगर रात को सोएंगे आराम से कोई मसला नहीं है पाँव रखने की अंगूठा रखने की जगह नहीं है मगर एक दरवाजे से चढ़ेगा सबसे किराया लेके दूसरे से उतर जाएगा <laughs> उसे कभी टेंशन हुई यार ये क्या मसला है यार जगह ही नहीं है सब लोग इज्जत के साथ सफ़र कर रहे हैं और वो बॉस जो है वो तो ड्राइविंग की सीट पे बैठा हुआ है मज़े से और मेरी हालत देखो यार मुझे तो जगह ही नहीं मिल रही जाओ मैं नहीं जा रहा वो कहते कोई बात नहीं यार पैसे जब आएंगे ना जेब में इतने सारे तो अड्डे पे रात को सोएंगे आराम से फिर इनको नींद भी टाइट आती है इनको जगह ना भी मिले बस की छत पे सो जाते हैं ये रेड़ियों पे सो जाते हैं मैंने देखे हैं जगह नहीं मिली रेडी लगी हुई है कोई फल वाला अपनी रेड़ी छोड़कर चला गया सुबह दोबारा से फल डालूंगा दो चार गले सड़े सेब रह गए थे साइड पर लगाया सो गए तो भी उससे सोते हैं मज़े से वो टेंशन बर्दाश्त कर रहा है कि भाई पैसा आ रहा है तो भाई हम और आप भी बर्दाश्त कर लें कि हजर आ रहा है अल्लाह की तरफ से सवाब मिल रहा है आखिरत में जख़ीरा हो रहा है रसूल सल्हु अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करते हैं उसे आज़माइश में डाल देते हैं ऐसा भी होता है फमन सबरा फल रज़ा फिर उन आजमाइशों में जो सबर करता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है कहते आजमा लिया पैगम्बरों को जो अल्लाह ने आजमाया तो कैसे खिताब दिए न्यामल अयूब के बारे में फ़रमाया, क्या खूब बंदा सारी जिंदगी बीमारियों में गुजर गई एक लफ जबान से ना का नहीं निकला न्यामल ये अल्लाह की तरफ से अलकाबात मिलते हैं जैसे हम लोग खिताब देते हैं ना किसी को बहादुरी का खिताब दे दिया बहादुर खान नाम रख दिया किसी को हकीम, हकीमलम का नाम हमने दिया किसी को कायद आजम का नाम दिया किसी को मादर मिल्लत का नाम दिया मुख्तलिफ किस्म के लकब हम देते हैं उनकी कारदगी से मुतासर होकर अल्लाह भी देता है लकब नाला क्या खूब बंदा सही है न क्या खूब बंदा था मेरा सबर की वजह से वही दि बलाई बरा ही मार्बू बकरा फरमाया उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद चीजों में आजमाया वो भी आजमाइशें आई उनके ऊपर फ इब्राहिम उन आजमाइशों में पूरे नहीं उतरे कामयाब नहीं हुए बेहतरीन तरीके से कामयाब हुए अतम हन्ना बेहतरीन तरीके से उन आजमाइशों में कामयाब हुए कैसा आजमाया अल्लाह हम सब की हिफाजत करे हमारी औलादों की हिफाजत करे अगर किसी की डेथ हो जाए तो हमारा रिएक्शन क्या होता है लेकिन इब्राहिम को हुक्म दिया जा रहा है अलैहिस्सलाम को ख़ुद बा करो अपने हाथों से बच्चे को बताओ अल्लाह की तरफ से किसी की मौत हो जाए ये बड़ी आजमाइश है ये बाप को खुद हुक्म दिया जा रहा है खुद काटो गला ये तो बहुत बड़ी आजमाइश है मैंने कहा कोई बात नहीं भाई अल्लाह वैसे भी तो मार सकता है मेरे हाथों कटवा रहा है मैं काट दूंगा इसको इन तमाम आयात और अहदीत से पता चलता है कि अल्लाह इंसानों को अपना गुलाम देखना चाहता है और गुलामी की सूरत में ही देखना चाहता है कि फंटर बनने की कोशिश बोलो मत करो फंटर ना बनो जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं बस तुमने सब्र करना है शुगर करना है हाँ खुद से आजमाइशें अल्लाह से ना मांगो खुद से ऐसे काम ना करो जिससे आजमाइशें तुम पर आए ये फिर अल्लाह की मदद भी नहीं होती सवाब भी नहीं मिलता ब्लू को आजमाते रहेंगे तो मैं अर्ज कर रहा था मैं बता रहा था कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अभी तक तो टू टाइप्स चल रही थी ना थ्री हो गई है एक तो वो मुसलमान हैं जिनको सिरे से आखिरत की फिकर है ही नहीं लेकिन चूंकि हैं मुसलमान आखिरत पर ईमान है तो जुम्मा पढ़ने आ जाते हैं ईद में भी नहा धो लेते हैं बकर में भी कुर्बानी या तो कर लेते हैं या गोश्त खा लेते हैं एक वो मुसलमान हैं जो मुकम्मल गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं तीसरे वो मुसलमान हैं जो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे फिर भी गुनाह हो जाते हैं वा खरुना सही आ अल्ला ने ऐसे मुसलमानों का भी जिक्र किया कुरान कि कुछ ऐसे हैं जो अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं उन्होंने अच्छाइयों को नेकियों के साथ मिलाया हुआ है लेकिन उनको फिक्र है कि ये छूटने छोड़ने क्योंकि उनका असल हदफ़ क्या है आख़िरत सवाल पैदा होता है जब उनका असल हदफ आखिरत है मंजिल उनकी आखिरत है तो फिर उनसे गुनाह होता क्यों है गुनाह बाज़ दफ़ा इसलिए भी हो जाता है कि आप अपनी आदत से मजबूर हो चुके होते हैं हथियार डाल देता है इंसान देखो एक बीमार आदमी चाहता है ना कि मेरी सेहत अच्छी हो सेहत पर तो हरेक का ईमान है ना लेकिन आदत पड़ गई है चर्स पीने की उसको पता है कि नुकसान है हीरोइन पीने की आदत पड़ गई वो देख रहा है कि मेरे साथ मेरे दोस्त जितने बैठते थे हीरोइन पी पी के सारे इस दुनिया से बोलो चले गए तो अब अगला नंबर उसको पता होता है मेरा है लेकिन फिर भी पी रहा है क्यों पीता है इसलिए कि जब नशा चढ़ता है तो उसके लिए अपने आप को बर्दाश्त करना रोकना बहुत मुश्किल इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता उसमें इतनी कुतें बर्दाश्त नहीं होती तो इस तरह के जो गुनाहगार हैं ये सिर्फ चर्सी और हीरोइनशियों में नहीं मिलेंगे आपको ये उन लोगों में भी मिलेंगे जो मादी नशा नहीं करते क्योंकि नशा सिर्फ चर्स और हीरोइन का नहीं होता बहुत सारी चीजों की आदत पड़ जाती है ये जो जहेज की लानत है ना नशा ही तो है कल्चर कल्चर को नशा हो गया इसका कल्चर ने मिनहैतुल कल्चर ये सुट्टा लगाना जहेज का सुट्टा लगाना शुरू कर दिया है लिहाजा अब कहीं शादी में जहेज ना हो तो पूरे खानदान को ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी चर्सी को चर्स नहीं मिली हीरोइनची को हीरोइन नहीं मिली तो पूरे खानदान को ऐसा अजीब सा फील हो रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है किस किस्म की शादी हो रही है तो ये भी नशा है चढ़ गया है दिमाग पे और भी बहुत से नशाएं आपने जो कसम ना तोड़ने की कसम उठाई भी है वो भी एक नशा है ना नहीं जाऊंगा बस अब इशारों में बात चलेगी ख़वान बयान सुनती हैं वो सारा मजमा भाग गया है हमारा यहाँ आती थी दो चार रह गई हैं बस दो चार खवतन रह गई बाकी सारी भाग गई हैं तो मिनईसल कौम भी कुछ आदतें पुख्ता हो जाती हैं वो फिर कौम की बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती हैं यानी कौम कौम ये चार ही होती है बस ये तो होना चाहिए बास कबाइली इलाक़ों में ये दस्तूर है कि ज़रा सा बेगम पे शकुआ ठा गोली से उसको उड़ा दिया एक साहब मुझे बता रहे थे किसी कबीले का वाकया, किसी खातून को किसी आदमी के साथ देखा जान से मार दिया मैंने कहा ये तो सही नहीं है सबूत किया है कि इसने बदकारी की नहीं की तो कहने लगे भाई हमारी रस्म है हमारे ऐसा होता है अब वो रसम छुड़वा नहीं सकता कोई भी उनसे कौमी रसम बन चुकी है एक यानी अब आप छुड़वाने की कोशिश करो आप दुनिया छोड़ दोगे रसम नहीं छूटेगी इल्ला माशाल्लाह तो ऐसे ही बॉडी को भी कुछ चीज़ों की आदत पड़ जाती है फोश फिल्में देखने की आदत पड़ जाती है नौजवानों को और अपनी ख्वाहिशात को हराम तरीक़े से पूरे करने की आदत पड़ जाती है गालियां देने की आदत पड़ जाती है बात बात पे ज़बान पे क्या आ रही है गाली आ रही है गुटखों की आदत पड़ जाती है पता है नुकसानदेह देखो जो इस्लाम आपको दिन में दर्जनों दफ़ा मिसवाक करने का हुक्म दे रहा हो वो गुटखा आपके मुँह में बर्दाश्त करेगा जो वो मज़हब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते ही मिसवाक हर नमाज में मिसवाक इतना दांतों को साफ रख रहे हैं तो चलो आप मिसवाक नहीं करते इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया या ब्रश नहीं करते दांत साफ़ नहीं करते इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया हुक्म के ओपोजिट तो ना चलो ना आपने तो हुक्म छोड़ा भी कि दांत साफ़ नहीं कर रहे ऊपर से गंदा करने का पूरा इंतज़ाम और गंदा भी ऐसा नहीं कि चलो कोई रोटियों या गोश्त है गंद गुटके के मरीजों के आप मुंह देखा करो अपनी जिम्मेदारी पे ऐसा ना हो आप कहें मुझसे आपने मशवरा दिया तो हम देख रहे हैं कैसा गंद माजरत के साथ कोई गुटके की मरीज बैठे में है भाई माजरत जी नहीं वो कहेंगे हम अपने खिलाफ थोड़ी सुनने के लिए आए हैं एहतियातन <laughs> तो किस कदर गंद भरा हुआ होता है मुंह के अंदर तो ये इस्लाम बर्दाश्त करेगा इस गंदगी को जो आपको बार बार असुआक व तातर मिनसन अली लम्बिया रसूल सल्हसम ने फरमाया मिसवाक यानी दांतों को साफ़ रखना और खुशबू का इस्तेमाल ये पैगम्बरों की सुन्नत है सारे पैगम्बरों में ये चीज़ कॉमन थी आदम से लेके मोहम्मद सल् वसलम तक जितने पैगम्बर आए हैं सबके दांत चमकते थे हर वक्त साफ़ रहते थे और सबकी जिसम से खुशबू आती थी गुटके वाला इस पैगंबरों की इन सुन्नतों के बिल्कुल अपोजिट चलता है कि नहीं चलता बिल्कुल उल्टा चल रहा है वो लेकिन आप बोलो नहीं छूटेगा भाई आदत पड़ गई है नमाज छोड़ने की आदत पड़ गई है हमारे एक दोस्त थे हम जहां रहा करते थे ना तो नमाज पढ़ने के लिए हम जब मस्जिद में आते तो हमारे एक दोस्त थे उनकी हमेशा फजर में एक रकत निकलती थी हमेशा हम उनसे कहते थे यार चलो कभी हो गया रोज आना ही आपकी एक रकत निकली हुई होती है उन्होंने कहा क्या करूं यार मैं बस जब भी पहुंचता हूं ये होता है वो होता है वो बस ये हो जाता, वो हो जाता है वो हो जाता है और कुछ ना कुछ हो ही जाता है हमने कहा चलो नमाज जब पाँच मिनट आगे होगी तो आपको मज़ीद पाँच मिनट का टाइम मिल जाएगा मजीद पाँच मिनट का टाइम मिल जाएगा तो चलो अभी गर्मियों में नमाज़ जरा जल्दी हो रही है तो रात को देर से सोते हो सुबह उठते उठते कोई मसला होता होगा तावील करता है ना इंसान दूसरे के बारे में तो अच्छी तावील ही करनी चाहिए ना अपने बारे में इंसान बदगुमान हो दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रख तो हम अच्छा गुमान रखते थे उनसे कहते थे कोई बात नहीं अब नमाज जब पाँच दस पंद्रह मिनट आगे होगी तो अब आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा पाँच मिनट भी आगे हो गई तो एक रखत तो मिल जाएगी ना मज़ीद लेकिन हम देखते थे नमाज पांच मिनट आ गए वो भी पांच मिनट आ गए उसी हिसाब से नमाज बीस मिनट आ गए तो वो वो भी बीस मिनट आ गए और मेरा ख्याल है पंद्रह साल मैंने उनको इसी हालत में देखा है हमेशा एक रकत उनकी निकल रही है ये भी नशा है चर्स और हीरोइन की तरह टाइम पे ना पहुंचने का नशा चलो गनीमत है पढ़ रहे थे ये भी बड़ी बात है लेकिन मैं उनसे कहता था जब जो नहीं पढ़ रहा उस पर तो इतराज नहीं होता इसलिए कि वो तो सुस्त है एक नंबर का ना काहिल है उसने तो पढ़नी नहीं है लेकिन आपने कुर्बानी तो दे दी ना नींद कुर्बान हो गई वजू कर लिया मस्जिद की तरफ आ गए सर्दी गर्मी का ख्याल नहीं किया तो जब ये इतनी टेंशन लेनी है ही तो यार पांच मिनट पहले आ जाओ लेकिन लत पड़ जाती है इंसान को हकीकत बता रहा हूं मैं आपने देखा होगा मस्जिदों में सफे अव्वल के नमाजी वो सफे अव्वल ही के होते हैं वो हमेशा आते हैं पहले दूसरी सफ के नमाजी पूरे साल दूसरी तीसरी के नमाजी पूरे साल तीसरी में होते हैं ये होता है तो ज्यादातर जो गुनाह होते हैं या जो बुराइयां मुआरे में फैली हुई हैं उन लोगों की जो आखरत पर ईमान भी रखते हैं आखरत को बनाना भी चाहते हैं उनके ज्यादातर मसाइल ये हैं कि उनको किसी ना किसी बुराई की लत पड़ चुकी होती है आदत पड़ चुकी होती है और वो उसको छोड़ने में सीरियस नहीं होते और वो बस एक उजर करते यार हमें क्या हो गई है आदत हो गई है हमसे नहीं छूटती, जिसको जमात छोड़ने की आदत हो जाए वो जमात से नहीं पढ़ता जिसको नमाजें कजा करने की आदत हो जाए उसके लिए नमाज पढ़ना वाले जान है कह रहे कैसे पढ़े उठे कैसे हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की खानका में एक साहब आए पहले तो लोग बुज़ुर्गों के पास जाके अपनी इस्ला करवाते थे उनसे फजर में उठा नहीं जाता था और थे भी डॉक्टर हजरत को ख़त लिखा कि मुझसे नहीं उठा जाता मेरी नींद बहुत गहरी है कुछ भी हो जाए मैं नहीं उठ सकता फजर में तो आ गए ख़ान में हजरत ने फरमाया ठीक है सो जाए आप सुबह देखते हैं तो नहीं उठे सुबह चार आदमियों के जिम्मे लगाया इनको उठाओ लेकिन वो ऐसी नींद भाई नहीं उठा भाई नहीं उठ सकता मैं नहीं उठ सकता भाई बहुत सख्त नींद आ रही तो दो चार दफा हजरत ने ट्राई किया देखा कि ये तमीज़ से समझ में इनके बात नहीं आ रही तो हजरत के जिन्नात की ठुकाई वाले वाकयात भी उन्होंने पढ़े हुए थे एक जिन किसी तालबिल पे आ गया था तो वो तालबिल बहुत सारी जगहों पर गया यानी उसके घर वाले लेकर गए वो जिन उतर के नहीं दे रहा था ना और जिन का कहना ये था मैं बांग्लादेश से आया हूँ इसको बांग्लादेश लेके जाऊँगा मैं <laughs> ठीक तो हमारे हजरत के यहाँ वो आया तो हजरत गए उसकी खैरियत मालूम करने के लिए तो उस वक्त वो जिन उसके ऊपर आया हुआ था अब जिन जब आया हुआ था तो उसने कहा कि हज़रत पर हमला करने लगा वो तो जिन्ना से जो डरता है ना वो गया काम से ये जहन में रखो हजरत ने आगे बढ़ के ना एक वो हवा में उछल रहा था कम वक्त असल में तो तालिबे में था लेकिन उसमें जिन चढ़ा हुआ था ना तो वो हवा में उछल रहा है तो हजरत का हाथ भी माशाल्लाह लंबा लुधियाना के पंजाब से ताल्लुक़ था हजरत का होते हैं ना पंजाब के बड़े बड़े माशाला ज़मींदार होते हैं बड़ी बड़ी पगड़ियाँ होती हैं तो हजरत की हाइट भी अच्छी थी तो हाथ भी लंबा तो जैसे ही वो उछल के करीब आया हजरत ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया उसके इतनी जोर से मारा कि वो बेहोश होके गिर गया काफी देर बाद उसे होश आया उसने कहा हम जा रहे हैं <laughs> उसने कहा हम जा रहे हैं और वो हजरत का तमाचा जिन्नात में मशहूर हो गया था उसके बाद बहुत दफा ऐसा हुआ किसी पे जिन हुआ जिन आया ये वाक हजरत की किताब में भी लिखा हुआ है हमने तो बर रास्त सुना है कई बार ऐसा हुआ कि किसी पे जिन आया उसने हजरत को फोन किया तो हजरत ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं हजरत जब पहुँचे तो बंदा बिल्कुल ठीक था अहल खाना ने बताया कि जिन्नात ये कहकर गए हैं कि मुफ्ती रशीद अहमद साहब आ रहे हैं हम जा रहे हैं <laughs> मुफ्ती साहब आ रहे हैं हम जा रहे हैं रोप बिठाओ रोप वाकई आई गया तो अपना भी एक सुना दू किसी पे जिन आया हुआ था हमारे किसी रिलेटिव पे मैं तो ये आमिलों को मानता नहीं हूँ और ना इनके पास किसी को लेके जाने का मशवरा देता हूँ तो जिन पे आया हुआ था उनके तावीज़ गंडे तो निकलवा के हमने सारे फेंकवा दिए हमने कहा कुछ भी नहीं है वो लेकिन वो सच्ची मुच्ची का जिन था ठीक <laughs> है <laughs> तो मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अच्छा ये बात भी है तकरीबन नौ या दस की उस वक्त मैं बहुत ही बारीक था जिन लोगों ने मेरा दस साल पुराना माजी देखा है ना उनको पता है मैं तो 2013 के बाद थोड़ा सा जिसम पे गोश्त आया है वरना तो कहीं गिरते थे तो डायरेक्ट हड्डी शुरू हो जाती थी डायरेक्ट हड्डी पे चोट आती थी बहुत पतला नहीं बारीक तो इतना बारीक था मैं और जिस पे जिन आया वो माशाल्लाह अच्छे ख़ासे सेहतमंद थे तो अब ऐसा ना हो मुझे जिन्नात उतारने के लिए कॉल करना शुरू कर दें हमारे यहाँ भी आया हुआ है आप आ जाएं तो मैं ये काम नहीं करता ये जो मैं आपको बता इसलिए ले रहा हूँ कि आप यही खुद ही कर लो ठीक है वो शायर है सलमान गिलानी बड़ा अच्छा शेर है शेर तो याद नहीं आ रहा उसका मफहम याद है कि एक आदमी ने फ़ोन किया कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया किसी को कहा ना फ़ोन करके कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया घरा वो कह रहा है पंगा ने खुद ही लिया है <laughs> खुद ही भुगतेगा देगा <laughs> हमने थोड़ी कहा था <laughs> तो मैं गया वहां पे, तो मुझे वो धमकियां दे रहा था आवाज बदली हुई थी और धमकियां दे रहा था मैं ये कर दूंगा मैं ये कर दूंगा अब मैं बहुत ही बारीक था मैंने ये अपनी आस्तीनें ऐसा करके चढ़ाई हालांकि वैसे अगर आस्तीन आस्तीने उस दिनों में चढ़ाता ना तो किसी को खौफ नहीं आता वो कहता यार अभी तक तो मामला छुपा हुआ था <laughs> हम समझिए शायद कोई मसल वसल बने हुए होंगे <laughs> तो मैंने ऐसे आस्तीनें चढ़ाई मैंने कहा तेरी है ऐसी कि तैसी दो चार दफ़ा ऐसे धमकियाँ दी हैं बस फिर आयतल कुर्सी पढ़ के जब फूंक लगाता था तो, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत जोर ज़ोर से मार रहा है जिनको ऐसे लगता था तो भाग्य अलहमद ला तो इनमें ये कोई मेरा कमाल नहीं है ये कॉन्फिडेंस का कमाल है तो जिनको ज़्यादा लिफ्ट बोलो नहीं कराया करें और इनमें अक्सर केसेस फेक भी होते हैं हमारे यहाँ नाजमाबाद में एक नौजवान पे जिन चढ़ गया था उसने उधम मिचाई हुई थी उसके रिश्तेदार उसको लेकर आ गए हमारे उस्ताद के पास कि इस पर जिन चढ़ गया कुछ करो उनको उन्होंने उसको तन्हाई में लेकर गए अच्छा वो जिन अरबी बोल रहा है अब ये हैरान हो रहे हैं कि ये तो रक्षा चलाने वाला आदमी है लड़का है अरबी कहां से आ गई तो सऊदी अरब से जिन आया है ये जिन आया कहा से अरबी जिन है तो इन्होंने दरवाजा बंद करके उसकी लगाई है तबियत से कुट बोला मुझे पता है तेरे पे जिन जिनमिन नहीं है तो सच सच बता दे मामला क्या है जब तबीयत से कुट लग थोड़ी बहुत कुट से नहीं होता ये बड़े ड्रामेबाज होते हैं तबीयत से लगी है ना कुट तो उसने बोला अच्छा मारो नहीं आपको बता रहा हूं मुझे किसी से इश्क हो गया है मैं अपने ऊपर जिन का बहाना करके मैं कहता हूँ उसके घर लेके जाओ जब उसके घर जाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ तो मुझे बार बार बहाने बहाने से महबूबा के घर लेके जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कम्बा तू अरबी कैसे बोल रहा है? रहे अरे फजायल अमाल की जो अरबी इबारतें हैं वो रट के याद की है मैंने ठीक <laughs> है फजा अमाल से जो अरबी इबारतें हैं ना वो रट्टा लगा लगा के याद की हैं और कुछ अरबी वरबी नहीं आती हाँ तो मुफ्ती रशीद अहमसाब रहा का वो तमाचा मशहूर था तो हज़रत ने इन कुछ लोगों को इनके ज़िम्मे लगाया कि उठें जब नहीं उठे ना वो तो हज़रत ने इनको उनको बताया कि इनसे कहो कि मैं आ रहा हूँ और फिर मैं वही तमाचा लगाऊंगा जो उधर लगाया था तो हज़रत फरमाते हैं जैसे ही मैं गया ना एकदम तमीज़ से उठ के बैठे हुए <laughs> अब वो कहां गई वो कि मुझसे उठा ही नहीं जाता मुझे हो ही नहीं सकता मैं कैसे उठूंगा मैं ये कैसे होगा तो या तो अपने ऊपर कोई तमाचा लगाने के लिए बंदा रखो वो उठाएगा आपको और अगर कोई तमाचा लगाने वाला नहीं है मेरे भाई तो फिर अपने खुद ही तमाचे लगाया करो सजा दिया करो अपने आप को जिस दिन फजर की जमात निकल गई नाश्ता गोल नाश्ता नहीं करेंगे हजरत हकीम अख्तर साहब रही तरमाया करते थे कि जिस खुदा ने तुम्हें सुबह अपने सामने हाजिरी का हुक्म दिया सारा दिन खिलाता है पिलाता है सुबह कह रहे मेरे सामने आ जाओ तो तुम्हारे मुंह से निवाला उतरता कैसे है जिस दिन फजर छोड़ देते हो उसके पेड़े तो खा रहे हो जो वो दे रहे तुम्हें सुबह का नाश्ता वो करे जो फजर की नमाज पढ़े अल्लाह हमने तेरी इबादत की है अब हम इसके लायक हैं कि तेरे रिश्ते हम फायदा उठाएं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे नाश्ते के टाइम पे बैठा हुआ होगा और कैसे बैठ के ऑर्डर कर रहे होते हैं देर हो रही है मुझे जल्दी लेकर आओ तो ये अल्लाह के लिए भी तो ऑर्डर होना चाहिए अल्लाह के लिए भी तो ये हुक्म होना चाहिए कि मुझे देर हो रही है मुझे नमाज पढ़नी है मुझे जाना है तो जब तक मेरे भाई इंसान संजीदा ना हो और अपने आप को सजा ना दे तो जिन गुनाहों की लत पड़ चुकी होती है वो गुनाह आराम से छूटते नहीं है उनमें सीरियस होना पड़ता है जिहाद करना पड़ता है ऐसे नहीं हो जाता वो अगर अल्लाह ना करे आपको फहोश फिल्मों की आदत पड़ गई है नौजवानों में ये मरज बहुत फैल रहा है सजा दो अपने आप को सजा बोलो ये काम अगर मैंने किया तो ये सस्ते में नहीं होगा इसकी पेनल्टी लगेगी सजा दूंगा अपने आप को मैं सस्ते में नहीं छोड़ दूंगा अगर नमाज छूट गई सजा दो अपने आप को गाली जबान से निकल गई सजा दो अपने आप को जब सजाएं दोगे तो यह इसकी अलामत होगी वाकई आप आखिरत को चाहने में मुखलिस हो वरना जबानी दावे जबानी बातें अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं है तो वनबुलफीफुसरात इसी में सबर भी है बेसबरी की भी आदत पड़ती है में सबर करना पड़ता है हमारे हजरत के एक मुरीद थे उनको गुस्सा बहुत आता था फिर गुस्सा जारी करते रहते थे वो सब्र नहीं था उनमें हजरत को ख़त लिखा कि मैं अपनी असलाह चाहता हूं मैं गुस्से में पागल हो जाता हूं हजरत ने फरमाया जिस दिन गुस्सा जारी करो ना उनकी तनख्वाह के हिसाब से हजरत ने फरमाया कि इतने पैसे सदका करो गुस्सा आया जारी कर दिया बाद में निदामत हुई कि यार नहीं होना ज़्यादा हो गई तो क्या करना है फरमाया पाँच सौ रुपये सदका कर दो ये ये थप्पड़ है जो अपने ऊपर लगाया जा रहा है तो शुरू शुरू में तो ऐसा हुआ कि बार बार जब बार बार जब सदका करना शुरू किया तो फिर आदत पड़ना फिर गुस्से पे कंट्रोल करने की आदत शुरू एक साहब ने हजरत को ख़त लिखा मुझे अपनी बीवी पे बहुत गुस्सा आता है बिला वजह और उसको मैं हद से ज़्यादा फिर डांटता हूँ हजरत ने फरमाया कि जब हद से ज़्यादा आप गुस्सा करें ना तो आपकी सज़ा ये कि बाद में बीवी से माफ़ी मांगें अब जिस आदमी को बीवी पे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा हो वो तो तकबर की वजह से आता है ना कि ये माता है तो रोब झाड़ रहे है। उसके लिए माफ़ी मांगना आसान काम बोलो नहीं है क्योंकि माफ़ी मांग के आप तो अपने आप को गोया नीचे कर देते हो रुसवा कर देते हो माफ़ी मांगना आसान थोड़ी है तो उसने मुझे बताया कि यार ये काम मेरे ऊपर इतना शाक गुजरता है कि अगर मैंने बीवी पे गुस्सा किया तो बाद में मुझको माफी मांगनी पड़ेगी ये इतनी टेंशन वाला काम था मेरे लिए कि मैंने कहा गुस्सा ना करो यह आसान है गुस्सा करके बाद में माफी मांगना ये बहुत मुश्किल काम है तो कुछ तो करें कुछ आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई मैंने कहा था ना वो डायरी वायरी लेके बैठे तो हो सकता है अब डायरी मिल गई हो आपको घर में एक हफ्ता तो मैंने कहा था तलाश करने में लगेगा कि अपनी खामियां लिखें उस डायरी में बैठ के भाई बोला था ना अरे क्या हो गया भूल भूलिए इतवार के बयान में बोला था कि डायरी लेके बैठे उसमें हमारे जो उस्ताद हैं ना जिनसे मैंने पढ़ा है नाइन्टी में उनका मैंने पहला बयान सुना था वो बयान यही ही था कि अगर आप आखिरत चाहते हो ना तो एक डायरी लेके उस पर अपनी खामियां लिख दो सबसे पहले आपको पता तो चले मेरे अंदर ये ये बुराई है हाँ ओए होए होए तजवीज़ आई है कि अपनी खामियां ख़ुद ना लिखें बेगम से कहें कि मेरी खामियां तुम लिखो और तुम्हारी खामियां मैं लिखूंगा असल में वो तो ठीक है दूसरा आपकी खामियां ज़्यादा अच्छा बता सकता है लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जंग छिड़ जाएगी हकीकत है वो जब कहेगी ये खामी हो गया है ही नहीं है ये तुम्हारा फिर ये कहेगा तुम्हारे अंदर ही खामी तो सबसे बड़ी खामी यही है कि अपनी खामी मानना ही नहीं है तो पहले इसकी तो इसलाह हो ना फिर उसके बाद अगला स्टेप है तो डायरी में बैठ के अपनी ख़ामियाँ लिखें मैं गुस्से को बिला वजह जारी करता हूँ बात बात पे खाम ख़ामे मेरा मीटर शाट होता रहता है ये गुटखा खाता हूँ ये सिगरेट पीता हूँ नमाज़ में पाबंदी नहीं हो रही तकबीर उला की पाबंदी नहीं हो रही ये मसला है ये मसला है बच्चों की तरबियत की कोई फिक्र नहीं है घर में टाइम नहीं दे रहा सारा सर दिन कटर के ढक्कन पर बाहर बैठा रहता हूँ गली में ठीक है ना एक एक चीज़ बैठ के लिखें लिख लिख के ना दिमाग इंसान का इस काबिल नहीं होता कि सारा चीज़ खोपड़ी में रखे वो अपने उसको पेपर पर लेकर आए ठीक है ना फिर पेपर संभाल के रखे ऐसा ना हो कि वो ही घूम जाए तो आपकी सारी खामियां मार्केट से शार्ट हो गई तो किसी डायरी में लिखें फिर उसको फिर बैठें कि यार ये छोड़नी कैसे है इसके लिए क्या तरतीब है चलो आदत पड़ गई है मुश्किल हो रहा है लेकिन हर चीज का कोई हल तो होता है ना माजरे ला शिफान बुखारी की हदीस है नबी ने फरमाया कोई बीमारी अल्लाह ने ऐसी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना किया हो इसमें जिसमानी बीमारियां भी हैं रूहानी बीमारियां भी हैं हर बुरी खसलत का इलाज अल्लाह ने इस दुनिया में रखा है हर बुराई छूट सकती है ओ भाई साहब कराम शराब के सदियों से आदि थे छूट गई ना उनसे सदियों से आदि थे ऐलान हुआ नहीं पीनी खत्म वो भादी है। उन्होंने नालियों में शराबें भा दी हैं कितनी टेंशन हुई होगी कुछ दिन उनको बुतप्रस्ती उनके खून में शामिल हो चुकी थी छोड़ दी ना ऐसी तोहिद नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इस बात से मायूस हो गया है कि जजीर अरब में उसकी इबादत हो क़्यामत तक बुत परस्ती अरब में नहीं होगी आज भी अरबों की तोहिद देखो अरबों में कोई बड़े से बड़ा इंतकाल हो इतनी सी खबर होगी छोटी सी और पता नहीं कहाँ होगी पता ही नहीं होगा हमारे यहाँ कोई छोटे सा आदमी भी दुनिया से जाता है शोर इतना ज्यादा होता है और उसकी खबरें इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ जैसी खबरें और फिर खबरें भी कब्रस्तान में नहीं होंगी ये भी एक बहुत बड़ी बिदत है भाई जहां सब मुसलमान दफन होते हैं वहां बुजुर्ग को क्यों दफन नहीं कर रहे हर बुजुर्ग के लिए एक अलग चारदीवारी होगी और अलग प्रोटोकॉल देकर दफन किया जाएगा यह कहां से बिदत आई है यह अजमियों की बिदतें हैं अरबों में यह चीजें नहीं है शाहफहद की खबर पता है किसको कहां है बोलो ना भाई सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल की खबर का पता है कह रहे है भाई दुनिया से चले गए तो आम मुसलमानों की कब्रुस्तान में बड़े बड़े ओलमा शेख बिन बास का कोई मजार देखा किसी ने सऊदी अरब के मुफ्ती आजम बहुत बड़े मुफ्ती आलिम थे किसी को पता है उनका मज़ार कहां है कोई फूल देखा उनके मजार पर उनकी खबर पे यह तोहिद है जो आज भी आपको कहां मिलेगी बोलो अरबों में और हमारे यहां जिसका इंतकाल हो रहा है इतनी इतनी ऊंची ऊंची खबरें फिर उनके फूल डाल के और इतना ऊंचा कर दिया फिर उन खबरों पर जो जो कुछ हो रहा है बिदतें और फिर अलग प्रोटोकॉल दे के अलग खबर क्यों बना रहे हो भाई हमारे हजरत फरमाया करते थे जो बुजुर्ग होगा ना वाकई में बुजुर्ग वो ये चाहेगा मुझे आम मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन किया जाए क्योंकि अल्लाह की राहमत जो आम मुसलिम पर होती है वो ही मुझ पर हो वो अपने आप को कभी भी आम मुसलमानों से मुमताज और जुदा नहीं करना चाहते तो उनकी तो ये ख्वाहिश होती है बाद वाले फिर अपने चक्कर में उनको अलग दफन करते हैं अपने चक्कर में जितने बुजुर्गान दीन की कबरें अलग अलग जगह पर इनकी अपनी कोई वसीयत नहीं थी बात के मुरीदीन गड़बड़ करते हैं उनके साथ तो हमारे यहाँ अकीदों के मामले में हिसाब बहुत खराब है बहुत खराब तो हमारे नबी ने कैसी मेहनत की वो कौम जो कबर परस्त और बुत परस्त थी कैसी तोहिद के एक हजार चार सौ साल गुजर गए आप अरबों में जाके या देखो आपको कबरों में कोई कबर एक बालिश से ज्यादा ऊंची नजर नहीं आएगी हालांकि वहां जितने बड़े बड़े लोग दफन हैं हम जैसे उनका तस्वर भी नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े लोग दफन है वहां पे जन्नतुल बकी में कितने बड़े बड़े लोग दफन हैं जन्नतुल मुअल्ला में कितने बड़े बड़े लोग दफन दफन है तो इससे पता चलता है भाई अगर चाहो तो सब कुछ हो सकता है नहीं चाहो तो कुछ भी नहीं हो सकता अल्लाह ताला हम सबको समझने की अमल की तोहफी कता फरमाए